बिना नेम प्लेट के दुकान पर पंचर बना रहे थे सलीम चाचा, फिर योगी की पुलिस ने थमा दी पर्ची। उत्तर प्रदेश में योगी का कोहराम, होटल ढाबा के बाद टायर पंचर की दुकानों पर लगने लगी नेम प्लेट। सलीम पंचर वाले ने भी दुकान के बाहर लिखा अपना नाम, खुल्लम खुल्ला योगी के आदेश का किया पालन। खाने की दुकान के बाद पंचर वाले भी बताए पहचान, मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट लगाने का जारी हुआ आदेश। सड़क पर उतर गए योगी के अधिकारी, बदल दिए पूरे प्रदेश के हालात, कांवड़िया करने लगे योगी बाबा की जय जयकार। कमेंट में आप ही बताओ कैसा लगा योगी सरकार का ये फैसला। जी, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में दुकान, ठेलों और ढाबों के बाद अब पुलिस के द्वारा टायर पंचर की दुकान पर भी दुकान मालिक के नाम के नेम प्लेट लगवाए जा रहे हैं। दरअसल इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा एक नया फरमान जारी किया गया था, जिसके तहत कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों, ढाबों और ठेलों पर मालिक के नाम के पोस्टर लगाने जरूरी होंगे। प्रशासन के इस फरमान के बाद अब कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों, ठेलों और ढाबों पर नेम प्लेट लगने शुरू हो गए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस के इस फरमान पर जहां एक तरफ जमकर राजनीति हो रही है, तो वहीं कुछ मुस्लिम सामाजिक संस्थाएं इसका विरोध कर रही हैं। इन सबके बावजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर पुलिस के इस फरमान को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया है। लेकिन इस दौरान एक चौंकाने वाली बात उस समय सामने आई जब मुजफ्फरनगर जनपद के नगर में पड़ने वाली टायर पंचर की दुकान पर भी पुलिस के द्वारा दुकान मालिक के नाम के पोस्टर लगवाए जा रहे हैं। इस समय जनपद में ये घटना खासा चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल जिले के मेरठ रोड पर स्थित टायर पंचर की दुकान के मालिक मुन्ना से जब इस बाबत हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि ये नेम प्लेट इसलिए लगाई गई है क्योंकि दो पुलिस वाले कल और आज आए थे और कहने लगे कि इस पर अपना मोबाइल नंबर और नाम लिखकर यहां टंकी पर चिपका दो। हमारी टायर पंचर की दुकान है, हम खाने पीने का सामान तो बेचते ही नहीं है। जब हमने उनसे ये बात कही तो उन्होंने कहा कि ये टायरों की दुकान है, वो सबको दिख रहा है, हम किसी का नाम नहीं पूछते, चाहे कोई हिंदू आ जाए या मुसलमान आ जाए, हम तो सबके पंचर जोड़ते हैं। दुकान मालिक मुन्ना ने आगे कहा कि पुलिस वालों ने कहा तो हमने चिपका दिया। वहीं एक दूसरी टायर पंचर की दुकान के मालिक सलीम का कहना है कि वो 25-26 साल से साइकिलों में पंचर लगाने का काम करता है। सलीम ने बताया कि पुलिस वाला आया और कहने लगा कि यहां एक बोर्ड लगा लेना और फोन नंबर लिख लेना। सलीम ने आगे कहा कि हम तो मजदूर आदमी हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, अब बोर्ड लगवा लो या कुछ भी लगवा लो, हमें क्या। सलीम ने आगे बताया कि इससे उनके काम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसा गवर्नमेंट कहती है ऐसा ही करना पड़ता है, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। यानी कि अब हर कोई योगी सरकार के आदेश का पालन कर रहा है। सियासतदान चाहे कुछ भी कहें, चाहे कोई कितना भी आग में घी डालने का काम करे, कोई कितना भी मुसलमानों को भड़काए, लेकिन मुसलमान खुद मान रहे हैं कि योगी सरकार के फैसले से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनका काम जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अभी भी चल रहा है और वैसे ही आगे भी चलता रहेगा। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई योगी बाबा ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा, और इसीलिए हम वो काम कर रहे हैं जो योगी सरकार कह रही है। अब इस मुद्दे पर आपकी राय क्या कहती है? क्या जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।